जश्न इश्क के महा एपिसोड में आज ही देखिए। आई टोल्ड यू कि ट्विंकल सिर्फ मेरी है, और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी शादी मुझसे ही होगी। ठीक से आंखें बंद रख। नहीं अभी तो नहीं देख सकती। प्लीज देखने तो ना माय ट्विंकल दी। सब्र कर, तेरा ही चूड़ा है तो देख सकती है, लेकिन अभी नहीं। उफ़ फिर कब? ऐसे तो मुझे शादी तक अपनी आंखें बंद रखनी पड़ेंगी। उसका भी इलाज है हमारे पास पुत्र, तू सब्र कर, मामा जी को आ जाने दे, उन्हें ही पहनाना है ना। ओहो आ गया पहना, मैं आ गया। लो पहना, मामा जी आ गए, चलो रस्म शुरू करते हैं। मैं अपनी ट्विंकी को चूड़ा पहनाऊंगा। तेने पता है पुत्र हम ये रस्म क्यों करते हैं? ताकि दुल्हन की नजर ना लगे चूड़े को, इसीलिए आंखें बंद रखते हैं, समझी? पड़ा सर, लग नहीं रहा कि हमारी ट्विंकल को अपने हथकड़ियां बांधी है। ले देख, अब आंखें खोलो। क्या है सर? एक बार तू दुल्हन बनके तैयार हो जाएगी ना, इसमें कलीरे बांध देंगे, तब तू देख पाएगी ना। अच्छा आंटी, पिनी आंटी चेंबूर गुरुद्वारे से घड़े में जल ले आई है, हम सबको बुला है। क्या नाम, कुंजी जू की भी घड़ा घड़ोली की रस्म शुरू होने वाली। हाँ चलो चलते हैं। चलो, चलो। I told you ना कि ट्विंकल सिर्फ मेरी है, और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी शादी मुझसे ही होगी। अब शादी होगी तो ये रस्में तो बनती है ना मॉम, तो वही तो मैं कर रहा हूं। अब मैं नहीं रुक सकता मॉम, अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ट्विंकल ही चाहिए, सिर्फ ट्विंकल। और आप अब तैयार हो जाओ अपनी दुश्मन की बेटी को लूथरा फैमिली की बहू बनाने के लिए। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? तू सचमुच पागल हो चुका है, बंद कर दे ये सब कुछ प्लीज। होगी वन टू टू ओ कुड़िए वन टू टू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़ी दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दी।
मुझे फिर से हाथ लगाया? ओए स्यापा, अब तेरी ये रूटीन ना थोड़ी सी बोरिंग होगी। अगर पकड़ता नहीं ना तो ऐसे धम से गिरती ना कि एक्चुअली तुझे एक बार गिरने देना चाहिए। एक बार गिरेगी ना तो समझ में आएगा, अकल आएगी तुझे। वैसे एक बात बता, पूरी दुनिया में तुझे मेरे ही सामने क्यों लड़खड़ाना होता है? माना कि मैं गुड लुकिंग हूँ, पर कंट्रोल रख, विल पावर नाम की चीज है कि नहीं? वाह वाह, अपने मुंह से अपनी तारीफ। हाँ वो अनभी, वैसे ना तू इसी गलतफहमी में खुश रहे। खुश? पर मैं, वो भी तेरे साथ, वो भी शादी करके। नो वे। एक्सक्यूज मी, ये शादी और खुशी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। वेलकम टू दशनेश शादी। ना ये लव मैरिज है, ना ही अरेंज्ड मैरिज। ये टशने शादी, जहाँ सिर्फ तेरा मेरा टशन है। तेरे रहते ना एक बार मेरे हाथ पैर जरूर टूटे। अगर अपनी आंखें खोल के चलेगा ना तो नहीं टूटेगी। आंखों से अंधी और दिमाग से पैदल है तू। और तू खड़ूसों का ब्रांड एंबेसडर है। सर, किसी ने आपके लिए लीवर करके गया। मेरे लिए? यस सर। थैंक्स। तुम माँ की चुन रही है, इसमें कौन? अब तुम ये मत कहना कि मैं तुमसे जान के टकराई हूँ। क्या हुआ कुंज, सब ठीक है ना? ट्विंकल, मेरी माँ की चुनरी, इसमें खून। भैया, आपने मॉम को कहीं देखा? इस तरफ गई है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं माँ, एक्चुअली किसी ने शादी का गिफ्ट दिया था, बस अंदर रखने का मौका नहीं मिला। आप यहाँ क्या कर रही हैं और किससे बात कर रही थी? वो तेरे मिर्जापुर के सुनील चाचा है ना, उनका फोन आया था। अंदर इतना शोर हो रहा था तो मैं यहाँ पे आ गई। पर तुम तीनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ट्विंकल के कुछ फ्रेंड्स शादी पे आ नहीं पाए तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था, तो अंदर नेटवर्क वीक है तो इसलिए बाहर आ गए थे तीनों बात करने के लिए। मैं आती हूँ। हाँ हेलो। ए दूल्हे राजा, कैसा लगा मेरा छोटा सा खतरनाक ट्रेलर? सोच, अगर ट्रेलर इतना धांसू है तो मूवी तो कितनी सीटी मारोगी ना। तो अभी भी टाइम, बैक आउट कर जाए शादी से और निकल। सुन, अगर मेरी माँ को तकलीफ देने का सोचा भी ना तूने, तो तेरा वो हाल करूंगा कि छीयू। इतनी घटिया हरकत, किसी की माँ को लेके इतना घटिया मजाक, दिन ब दिन गिरता जा रहा है तू। तेरी प्रॉब्लम मुझसे ना, तू मुझसे डील कर। क्यों बेकसूर लोगों को इसमें घसीट रहा है? क्यों पीछे पड़ा है कुंज और उसकी माँ के? क्योंकि कुंज की वजह से ही आज तू मुझसे दूर है, और वही वो इंसान है जो मुझे तुझसे छीन के ले जा रहा है। और ट्विंकल, एक बात तू समझ ले और उस कुंज को भी समझा दे, भले ये मैंने मजाक करा था,
बट इस मजाक को रियलिटी में कन्वर्ट होने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट। और तू ये जानती है कि मैं कर सकता हूँ। करेगा तो तब ना जब मैं तुझे कुछ करने के लायक छोड़ूंगी। बहुत इग्नोर कर लिया मैंने तेरी फालतू की हरकतों को, लेकिन अब और नहीं। तंग आ गई हूँ मैं तुझसे और तेरे इस पागलपन से। अब तुझे रोकने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है। सुन, अगर तेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी माँ को जरा सा भी हर्ट किया, उन्हें खरोच भी आई ना, आई स्वेयर छोड़ूंगा नहीं उसे। तुमसे पहले यूवी को सजा मैं दूंगी। जितनी फिक्र तुम्हें है ना आंटी की, उतनी मुझे भी है। मेरी होने वाली सास है वो। लेकिन इससे पहले कि यूवी कुछ और करे, हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। तू ही लड़ ना, ये यूवी का है। बोल। मिस्टर सरना, डोंट वरी, मैंने आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है। हमने युवराज लुथरा को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये आप लोगों को और कोई तकलीफ नहीं देगा। बाकी मैं इसकी हवा हवालात में निकाल दूंगा। यूवी, मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन तूने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। क्यों ले आया तू खुद को और मुझे इस कगार पे? तुझे तो खुश होना चाहिए, फाइनली अपने असली घर जा रहे तू। आई होप तेरा पागलपन कम हो जाए। बहुत ड्रामा कर लिया तूने, बस अब और। तू चाहता था ना मेरी और ट्विंकल की शादी ना हो। क्या नहीं किया तूने उसे रोकने के? पर देख, रुक तो तू गया, तो अब तू हवालात में अपना सर पीट, जितने मर्जी हाथ पैर मार, मेरी और ट्विंकल की शादी तो होके रहेगी। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ले जाइए इसे। फोन भी नहीं लग रहा है। ये कुंज और ट्विंकल कहाँ चले गए? वो भी शादी के ऐसे फंक्शंस को छोड़कर। रब करे सब सुबह। जब मैंने कुंज को देखा तब तो वो ट्विंकल के साथ था। भगवान करे मेरा बेटा ठीक ठाक हो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कुंज ठीक ही होगा, वो ट्विंकल के साथ गया है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। क्या अनाप शनाप बोलती रहती हो? ट्विंकल कुंज के साथ है ना, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ ले आ गए दोनों। अरे आप क्या है पुत्र, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम दोनों? तुम लोगों का फोन भी नहीं लग रहा था। ट्विंकल पुत्र तेनों तो पता है ना, शादी के दिन लड़का और लड़की का बाहर जाना अपशगुन होता है। हाँ, और तू कुंज के साथ क्यों गई थी? हाँ कुछ इतना क्या जरूरी काम था तुम्हें कि यहाँ के सारे फंक्शन छोड़ के चले गए? हाँ एक्चुअली अंकल आंटी, मैं इन दोनों को साथ में लेकर गई थी। यहीं पास में एक काफी जाना माना मंदिर है। कहते हैं अगर जोड़े एक साथ वहाँ जाकर मौली बांधकर मन्नत मांगे तो उनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहती है। इसीलिए मैं जबरदस्ती दोनों को लेकर गई थी। ये तो अच्छी बात है पुत्र, लेकिन बताकर जाना चाहिए था ना। कोई गल नहीं पुत्र। अच्छा सुन चिंकी, तू है ना उसे छेती छेती ऊपर ले जा और तैयार करना शुरू कर दे। कुंज पुत्र, मैंने तुझसे कोई गल करनी है। कुंज पुत्र, ए ट्विंकल दे पापा दी कृपान है जो उन्हें हमारी शादी के वक्त मिली थी। तेनु तो पता ही होगा कृपान का मतलब है कृपा और आन। ए हमारी रक्षा का प्रतीक होता है। जब भी कोई बुरा करता है, किसी के साथ जुल्म या अत्याचार होता है, तो कृपान ने हमेशा आन बचाई है। और आज मैं तेनु अपनी जान, अपनी जीने की वजह, अपनी जिंदगी, अपनी ट्विंकल नू तेरे हाथों में सौंप रही हूँ पुत्र। और इसीलिए
कृपान भी आज से तेरी होगी। पुत्र, मेरी ट्विंकल दी खुशी, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसका जीवन सब तेरे हाथों में। पुत्र, मैं तेनु बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, लेकिन मैनु पूरी उम्मीद है तू इस जिम्मेदारी को ना पूरी ईमानदारी से निभाएगा। और मैनु यह भी विश्वास है कि अगर ट्विंकल पर कोई बुरा सा आया तो उसकी रक्षा के लिए तो इस कृपान को उठाने में कतराएगा नहीं, है ना पुत्र? आंटी, आप अपनी बेटी मुझे दे रही, मैं जानता हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पर ये मेरा वादा है आपसे, ट्विंकल को अपनी जिंदगी से ज्यादा संभाल के रखूंगा। अपने जीते जीना कोई आंच नहीं आने दूंगा उसमें, मुझ पे भरोसा रखिए। आई प्रॉमिस। मैं जानती हूँ पुत्र, मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है, और मैं भी जानती हूँ उस रात को जो कुछ भी हुआ था ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, तू कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। बल्कि तुझसे अच्छा जीवन साथी मेरी ट्विंकल नू कभी मिल ही नहीं सकता पुत्र। रब तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चल पुत्र, अब तू भी जा, छेती छेती तैयार हो जा, वरना देर हो जाएगी। हे वाहेगुरु जी, बस अब इस शादी में और कोई विघ्न मत आने देना, सब कुछ चंगे से करा देना। क्या हुआ, शॉक लगा? तुझे क्या लगा तू मुझे यहां आने से और ट्विंकल से शादी करने से रोक लेगा और मैं रुक जाऊं? माना कि वो इंस्पेक्टर बहुत ईमानदार था, बट माय फ्रेंड, तू शायद पैसों की ताकत को नहीं समझता, ईमानदारों की भीड़ में एक आधा बेईमान निकल ही आता है। सुन, हो गया तेरा यारा खुशियों का माहौल, इसमें मैं तुझे तेरी टांग अड़ाने नहीं दूँ। इस शादी में दो फैमिलीज की रजामंदी, आशीर्वाद और खुशी जुड़ी, जिसे मैं तुझे तो बर्बाद करने नहीं दूंगा। समझ आया? मैं अच्छे से समझाऊं? जैसे आया ना वैसे निकल। हाँ चला जाऊंगा, पहले ये तो बता, तूने मिशन इम्पॉसिबल देखी है? ये टॉम क्रूज क्या मस्त एक्शन करता है, मजा आता है, देखिए तूने? कहना क्या चाहता है? यू नो, मेरा बचपन से मन करता था कि मैं टॉम क्रूज जैसे एक्शन सीक्वेंसेस करूं, यू नो लाइक दैट, पर आज जब मौका मिला है तो क्यों मिस करूं? हाँ
तुझसे बोला था ना यूवी से पंगा मत ले। हाँ क्यों हीरो बन रहा था यार, अब अपनी लाइफ को दी एंड बोलने के लिए तैयार हो जा। गुड बाय कुंज एंड हेलो ट्विंकल, तेरा दूल्हा आ रहा है तुझे लेने। देवर जी चलिए। कुंज यहीं आए थे ना, वॉशरूम जाने के लिए तो इधर ही आया था वो। ये देखो दूल्हे मियां, शादी के एक्साइटमेंट में सहरा पहन के वॉशरूम चले गए। सीरियसली सहरा इन द वॉशरूम? अब इसको जल्दी उतार, तेरी भाभी को तेरी नजर उतारनी। आओ दूल्हे राजा आपकी नजर उतारते हैं। आनंद कुंज को लेके नीचे आ जाओ, देर हो रही है। कुंज हम नीचे मंडप में जाके नजर उतारेंगे। अगर मुहूर्त का समय एक मिनट भी ऊपर नीचे हो गया ना तो डैडी का गुस्सा तुम दोनों जानते हो। चल चल जल्दी चल, 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 चल। ट्विंकल मैं आ रहा हूँ तुझसे शादी करने। मैंने बोला था ना कि तू सिर्फ मेरी है और तेरी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। देख ले अपने वादे का कितना पक्का हूँ मैं। गेट रेडी टू से बाय बाय टू कुंज, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमारे फेरे ख़त्म होंगे वहाँ कुंज की सांसें। नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। आ, 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 आ,
से। अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे कुछ गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, कोई गड़बड़ नहीं है, ये नर्वसनेस है ना, शादी के पहली वाली नर्वसनेस है, सब लड़कियों को होता है। वो ठहर, जब तू मंडप में जाएगी और कुंज को देखेगी ना, तेरी सारी नर्वसनेस चली जानी। अब चल, तेरी 1000 words वाली स्माइल दिखा मैनू। ए हुई ना बात। माँ, आज मैं अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ की शुरुआत आपको यूवी और मेरा सच बता के करूँ। आपको वो सारी बातें बता दूँ जो मैंने आज तक आपसे छुपाई हैं। लेकिन आज आप इतने खुश हो और मैं आपकी खुशी खराब नहीं करना चाहती, पर आई प्रॉमिस यू माँ कि शादी होती मैं आपको सब सच बता दूंगी, तभी मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। ट्विंकली, आई स्वेर मैंने आप जितनी सुंदर ब्राइड ना आज तक नहीं देखी। आप कितने सुंदर लग रहे हो, दी बेस्ट। ओएमजी, हाय 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 हाय, आज हमारी डार्लिंग ट्विंकल तो सच्ची वेरी वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही है। बट आपको एक बार टेल करूं, मेरी मासी की डॉटर है ना, उस जैसी ब्यूटीफुल ब्राइड मैंने आज तक नहीं देखी। आपको टेल करूं, उसने अपनी वेडिंग में क्या पहना था, एक ब्यूटीफुल डिजाइनर लहंगा, उसके साथ डिजाइनर टी-शर्ट, इतनी मॉडर्न और टिप टॉप ब्राइड मैंने टुडे तक नहीं देखी, मजा आ गया था। ओए होए पिन्नी, तू कुछ भी कह ले, चाहे कोई कुछ भी पहन ले, मेरी ट्विंकल से सोनी दुल्हन इस दुनिया में कोई कोई नहीं था। आप फिर से रोने लगे ना माँ, अब आपको रोता देख के मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और फिर मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर ना पिन्नी मामी की बासी की बेटी सबसे सुंदर ब्राइड होगी। आप ऐसा चाहते हो? ना पुत्र ना। तो फिर स्माइल करो। हे वाहे गुरु जी, तो शादी भी इसी तरह हंसते खेलते हो जाए और कोई गड़बड़ ना हो। अपनी मेहर मेरी बच्ची पर बनाए रखना। सी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके, पलका उठ दिया ने थम थम के, मैं वारी जावा। सोनी बनो चंसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके, पलका उठ दिया ने थम थम के, मैं वारी जावा। तू वेख लई अज रज के अपने सारियां नू, खेती अपने नहीं मिलदी, जा बनो पावे खुशियां ते दिलदारियां, तू पावे अरमा सब दिल दे। Oh,
कुंज पुत्र, एक मिनट, जरा अपना सेहरा ऊपर करना, तिलक लगाने। गुरु जी, ऐसे तिलक का गिरना अपशकुन? नहीं नहीं, अब कोई गल नहीं पुत्र, मैं दूसरा थाल लेके। नहीं नहीं लीला जी, रहने दीजिए, शादी का शुभ मुहूर्त दिखला जा रहा है, कुंज चलो। जरा हाथ आगे करना, पंडित जी को मौली बांधना है। बेटा, आपको ये घड़ी उतारनी होगी, क्योंकि इस हाथ में मौली बांधी जाए। कुंज, तुम तो घड़ी हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनते हो ना, आज राइट हैंड में क्यों पहनी है? कुंज पुत्र, घड़ी उतारनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, खोल के मुझे दो। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएंगे। आवाज़ तो यहीं से आ रही है, जमीन के नीचे से।
कुंज, कुंज हाथ दे अपना, कुंज गिव मी हैंड, कुंज हाथ दे अपना, कुंज 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 तू ठीक है, तू ठीक है, संभाल के कुंज, कुंज संभाल के कुंज, कम ऑन तू ठीक है, कम ऑन आउट, कम ऑन आ जा, संभाल के संभाल के, ये क्या हो रहा है, तू यहाँ कैसे? मुझे रिसॉर्ट पहुंचना है, मुझे साफ साफ बता क्या चल रहा है। Why are you in this coffin? भाई मैं तुझे गाड़ी में से बताता हूँ, प्लीज तुझे जहाँ जाना है मैं तुझे लेके चलूंगा, मुझे बता क्या चक्कर क्या चल रहा है। मैं शादी पे टाइम पे नहीं पहुंचा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज मुझे शादी में ले चल। चल मेरे साथ, come on, quick. सेट जल्दी प्लीज। एक बात बोलो, थैंक्स यार सेट, आज तो टाइम पे आ गया, वरना कुंज थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, डोंट बी सिली, ये सब कुछ झेल चुका हूँ मैं, मेरे साथ भी हो चुका है सब कुछ, मेरे केस में मेरी सासू मॉम, मेरी मदर इन लॉ, सारे गेम्स उन्होंने खेले थे, और तेरे केस में ट्विंकल के उस एक्स बॉयफ्रेंड ने, क्या नाम है उसका, शिवराज, शिवराज हाँ। देख यार, जिस रिश्ते पे खुद वाहेगुरु ने मोहर लगा दी हो ना, और डरने की कोई जरूरत नहीं होती, ये युवराज क्या कोई तरह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, निपट लेंगे इससे भी, बस एक बात याद रख, डरना मत और डटे रहना, तो बस वाहेगुरु जी का नाम ले, जीत तेरी होगी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या यार, इस ट्रैफिक को भी अभी मिलना था, सिड आगे का रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा, वैसे भी ये लड़ाई मेरी, आई गेस मुझे खुद ही लड़नी होगी, मैं चलता हूँ सिड, तू निकल, लाइक आई सेड, डरना मत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और हाँ मुझे फोन करना जब तुम मिसेज ट्विंकल सरना का मिस्टर कुंज सरना बन जाए ना, तब ऑल द वे बेस्ट। ए वाहेगुरु, अब तूने इस टशन वाली जोड़ी को मिला दिया, तो इनकी टशन शादी कराना भी तेरी जिम्मेदारी है, संभाल लेना बहुत। अब कन्या आगे आए, देख रमन, बस दो फेरे बाकी हैं और फिर हमारी ट्विंकल की शादी संपन्न हो जाएगी और मेरे बरसों का सपना पूरा होने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है कुंज मेरी ट्विंकल को हमेशा खुश रखेगा। कि आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देगा, मैं अब अपने ट्विंकल की जिंदगी की सुनहरी शुरुआत देख सकती हूँ कुंज के साथ। अब ये आखिरी फेरा है, Thank you.
यूवी और कुंज कहाँ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। और अगर तू ये चाहती है कि कुंज जिंदा बचे तो चुपचाप इन सब फेरे ले ले। देखा देखा जिसका मुझे डर था वही हुआ और सब इस लड़की की वजह से। प्लानिंग होगी ना शुरुआत से ही तू और ये युवराज लूथरा मेरे कुंज के सामने कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और फिर बेचारा बेटा फंसता जाता है क्यों तेरे लिए तुझे बचाने के लिए। कुछ कीजिए मेरे बेटे को। युवराज कुंज कहाँ है युवराज